जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आपको सुना रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, माँ ब्रह्मचारिणी कैसे अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुने और माँ की पूजा आराधना करें। माँ कैसे शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना ही छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए, जहां विष्णु और शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं, स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुर आत्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ।
दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से तीन नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर दो कर्कश से दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा कर दिए। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने एरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागर पति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोम कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार और कभी ना पुराने होने वाले दो वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल, दो कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद और चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक और गले में धारण करने के योग्य कभी ना कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामनियों से सुशोभित नाग हार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद ने सारा आकाश भर दिया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोकी को शोभ ग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे क्या कर रहे हो। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को चतुरंगनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगे। 60,000 रथियों को लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60,00,000 रथियों से आवृत वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ
रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रंग आंगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों, अश्वों की सेनाओं से घिरा पड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पटिश, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया, अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, परशु, पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाश से मूर्छित करके मार कर गिराया। मेरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे। कई एक शूल द्वारा वक्ष तल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे और कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई। कितनों की गिरवाएं छिन भिन हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाले। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ पर आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महा असुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो दुर्गे मात की जय, बोलो पहाड़ा वाली की जय, सभी के दुखड़ों को दूर करने वाली माता की जय, सबकी चिंताएं दूर करने वाली माँ तेरी सदा ही जय, जयकारा श्रीराम वलीदा, बोल सांचे दरबार की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।